सादे कपड़ों में तैनात पुलिस मुंह ताकती रह गई और हत्या व अपहरण के आरोपित सड़क से नीचे उतरकर नाले के किनारे रखा 8 लाख रुपए से भरा बैग लेकर आसानी से निकल गए। ऐसा करने वाले 3 आरोपित पुलिस के 200 जवान व अधिकारियों की टीम पर भारी पड़े। आरोपितों ने सरेआम बालक का अपहरण किया, उसके माता पिता से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती के 8 लाख रुपए मिलने से पहले बालक की हत्या कर दी। इस दौरान वे कई घंटे कभी अकेले तो कभी बालक को साथ लेकर कार में जगह जगह घूमते रहे। इससे साफ है कि पुलिस की कथित चाक चौबंद व्यवस्था धरी रह गई। आरोपितों ने आदित्य के पिता मुकेश लांबा को 16 अक्टूबर की रात फिरौती की रकम लेकर खजरी खिरिया बाईपास पहुंचने को कहा था। वे 8 लाख रुपए लेकर खजरी खिरिया पहुंचे तो आरोपितों ने बैग नाले के किनारे रखने को कहा। मुकेश ने निर्धारित स्थान पर बैग रख दिया। नाले के इर्द गिर्द सादे कपड़ों में पुलिस के जवानों का पहरा लगाया गया था। इसके बाद 2 आरोपित सफेद रंग की एक्टिवा से वहां पहुंचे और आसानी से बैग लेकर चले गए। पुलिस ने उस समय उनका पीछा तक नहीं किया।